अभी तक जो हमने टेक्निक्स पढ़ी उसमें आ, एक डिस्टिलेशन था जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सल्यूट मौजूद हो तो उसको सेपरेट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंक का मिक्सचर है डिफरेंट इंक्स मिक्स हो गई हैं रेड ब्लू ग्रीन वगैरह ब्लैक तो उन सब आ, इंक्स को हमने अगर सेपरेट करना है तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं सेपरेशन अब होती कैसी है बेसिस के है इसकी ये जो डिजॉल्व सब्सटांस जो सल्यूट्स के हैं सल्यूट डिजोल्व होती हैं इन सॉलवेंट्स इनको क्या कहते हैं डिजोल्व सब्सटांसिस जो कि सॉलवेंट में मिक्स हो जाते हैं सॉलवेंट क्या होता है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है लाइक like वाटर और सल्यूट जैसे कि शुगर को वाटर में डाल दें तो शुगर क्या है सल्यूट और वाटर सॉलवेंट तो जो डिजॉल्व सब्सटांस होती हैं जो सॉलवेंट में मिक्स हो जाती हैं उनके डिफरेंट सबस्टांसिस के डिफरेंट साइज होते हैं डिफरेंट स्पीड होती है जिसमें जिस स्पीड जिस में वो मूव कर रहे होते हैं इन द सॉल्व यूजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी है टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स डिफरेंट कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है लाइक डिफरेंट डाइस डाइस डिफरेंट शेड्स होती हैं डिफरेंट कलर्स में फूड कलर्स को सेपरेट करने के लिए इंक्स की मैंने आपका अभी एग्जाम्पल दी तो इंक्स को सेपरेट करने के लिए इसके अलावा टू आइडेंटिफाई ब्लड सैम्पल्स डिफरेंट लोगों के ब्लड्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट कम्पोनेंट्स होते हैं डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट साइज होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज अ यूरीन सैम्पल कम्पेयर क्लोरोफिल सैम्पल क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स इस केमिकल को इस्तेमाल करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं अपनी खुराक बनाते हैं तो ये ग्रीन प्लान्ट केमिकल प्रेजेंट होता है जिस वजह से उनका कलर भी ग्रीन होता है तो क्लोरोफिल क्या के है केमिकल है प्रेजेंट इन प्लांट क्रोमेटोग्राफी के टू वेस हैं दो तरह से क्रोमेटोग्राफी की जाती है एक में फिल्टर पेपर सर्कुलर फॉर्म में यूज किया जाता है और दूसरी जो टेक्निक है उसमें रिक्टेंगुलर फिल्टर पेपर इसका इस्तेमाल होता है ना ओपन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर फिफ्टी पेज नंबर फिफ्टी पे ये जो आपको फिगर नजर आ रही है यहाँ पे दो फिगर्स हैं जो फर्स्ट वाली फिगर है ये फर्स्ट मैथड uh, है पेपर क्रोमेटोग्राफी का इसमें क्या करते हैं फिल्टर पेपर को सर्कुलर फॉर्म में कट कर दिया कट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में कट लगा दिया इसको कहते हैं विक ये यहाँ से कट कर दिया यहाँ से ज्वाइन है लेकिन इन साइड से दोनों साइड से कट लगा दिया इस तरह से और सेंटर में बिल्कुल सेंटर में इंक स्पॉट डाल दिया इंक जिसको हमने सेपरेट करना है ये कोई भी मिक्सचर आपने जिसको सेपरेट करना है उसका स्पॉट सेंटर में डाल देंगे यहाँ पे डिफरेंट इंक्स का मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है तो उस इंक के मिक्सचर का सेंटर में स्पॉट डाल दिया अब इस फिल्टर पेपर को क्या किया, किया? कि एक बीकर लिया उसमें सॉलवेंट है वाटर जो कि एक सॉलवेंट है फिल्टर पेपर उसके ऊपर रख दिया और जो विक यहाँ पे थी इसको हमने अंदर वाली साइड पे टर्न करना है इस तरह से कि इसका जो आ, नीचे बॉटम वाला पोर्शन है वो वाटर में डिप हो थोड़ा सा उसी क्या होगा वाटर जो होगा वो फिल्टर पेपर की तरफ आ जाएगा फिल्टर पेपर में एब्जॉर्ब होगा और आहिस्ता आहिस्ता वाटर ऊपर आता जाएगा फिल्टर पेपर की तरफ और ये जो सेंटर में हमने छोटा सा ड्रॉप डाला था वो अब वहाँ पे स्प्रेड कर जाएगा इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें तीन किस्म की इंक थी आ, ब्लू डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन तो इस तरह से ये इंक सेपरेट होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज़्यादा देर तक इसको हम रखेंगे तो ये इंक के जो डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाएंगे स्प्रेड कर जाएंगे ऑन द फिल्टर पेपर तो एक ये तरीका है बाय यूजिंग सर्कुलर आ, सर्कुलर फिल्टर पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी की जाती है इस तरह से दूसरा मेथड क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर को कट किया ये जो आपको नज़र आया ये फॉर एग्जांपल फिल्टर पेपर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कट किया गया है और बॉटम पे इस पर तकरीबन वन सेंटीमीटर की बॉटम पे यहाँ पे लाइन लगा ली यहाँ से लेके बॉटम से वन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यूं सीधी लाइन लगा लेनी है अब उस लाइन के ऊपर क्या करना है कि डिफरेंट पोजीशंस पे जो भी मिक्सचर आपने सेपरेट करना है फॉर एग्जांपल इंक का ही अगर मिक्सचर है तो वो उसके ड्रॉप्स यहाँ पे डाल देने आपने जैसे कि ये लाइन यहाँ पे शो की है स्ट्रेट लाइन ड्रा की और लाइन के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स डाल दिए मिक्सचर के मिक्सचर के लेके स्पॉट्स डाल दिया तो अब इस फिल्टर पेपर को क्या करना है फोल्ड करना है इस तरह से ये फोल्ड किया हुआ और इसको इस बीकर के अंदर यूं करके स्ट्रेट फॉर्म में इसको रख दिया इस तरह से कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है बॉटम पोर्शन वो थोड़ा सा उस सॉल्वेंट में डिप हो जाए वाटर में डिप हो जाए अब क्या होता है कि वाटर जो है फ़िल्टर पेपर क्या करता है एब्जॉर्ब करता है वाटर को वाटर जैसे ही इसमें एब्जॉर्ब होगा वाटर ऊपर की तरफ आएगा और साथ में इस इंक के स्पॉट्स को लेते हुए स्प्रेड होता जाएगा और इस तरह से सेपरेशन होगी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ड्रॉप तक वाटर आया वाटर यहाँ से इंक स्पॉट्स को अपने साथ लेके ऊपर की तरफ आएगा तो ये यूं दो कलर के स्पॉट्स आ गए हमारे पास एक ब्लू कलर फॉर एग्जाम्पल ये जो मिक्सचर था ये ब्लू और रेड इंक का था तो ब्लू डॉट और रेड डॉट आ गए हमारे पास सेकेंड मिक्सचर जो था उसमें ऑरेंज और रेड कलर था तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज और रेड कलर सेपरेट हो गया तो इस तरह से मिक्सचर में से जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट होते जाएंगे जैसे जैसे सॉल्वेंट या वाटर ऊपर की तरफ आता जाएगा तो ये सेकंड टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक सर्कुलर फॉर्म में यूज़ किया फ़िल्टर पेपर और एक में रेक्टेंगुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर यूज़ किया सो so, आज का आपका होमवर्क है थोड़ी पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे आप डेफिनेशन पहले मार्क कर लें क्रोमेटोग्राफी की फ़र्स्ट लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी की एंड देन इसकी जो यूजेस हैं ये मैंने अंडरलाइन किए हैं ये इसकी यूजेस हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट पेज पे टू वेज यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ में सर्कुलर फॉर्म ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन किया और इसकी फिगर दी है एंड नेक्स्ट इस फिगर के नीचे सेकेंड जो मैथड है बाई यूजिंग रिक्टेंगुलर फिल्टर पेपर इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया और ये फिगर इसके साथ दी है सो so, आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक पेपर क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़